प्रदेश कार्यालय आरजेडी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और वहां पर भी मिठाइयां बांटी जा रही है। हालांकि कोरोना काल है और झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना बेकाबू हो गया है, इसको लेकर इसके मद्देनजर कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मिठाइयां बांटी जा रही है हालांकि और एक दूसरे के ऊपर खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर, लालू यादव, आखिरकार लालू यादव को जमानत मिल गई है दुमका कोषागार मामले में, उनको आखिरकार जमानत मिल गई है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर कि झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है और जिसके बाद लोगों में एक ज्यादा जो एक बड़ी जो खुशी की लहर वो देखने को मिल रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए किस तरह से कानून प्रक्रिया चलेगी, कितना वक्त लगेगा, इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह। मनोज जी, यह जानना चाहेंगे आपसे, हालांकि जमानत मिल गई है, एक खुशी भी देखी जा रही है लोगों में, लेकिन कितना वक्त लग सकता है लालू यादव का बाहर आने में? देखिए मंजू, ये कुछ जो फोरम होता है कोर्ट का, हालांकि जो कोर्ट ने जो जमानत दिया है उसके बाद में बेल बॉन्ड ये खड़ा जाता है, उसके बाद में बेल मैनुअल एक्ट के मुताबिक उनको वहां से रिलीज किया जाना है, वो किए जाएंगे। तो वैसे ही स्थिति में बेल जो मैनुअल एक्ट है उसके मुताबिक उनका सिग्नेचर भी होना जरूरी है और ये अब तय दिन प्रशासन करेगी कि जो एम्स में, दिल्ली एम्स में भर्ती है लालू यादव, वहां पर जाकर के उनके स्वास्थ्य को खासकर के देखते हुए, लेकिन जब ये कोर्ट परमिशन देगी उसके बाद ही दिल्ली में जाकर के वो डॉक्यूमेंट सब के पर साइन होगा या फिर लालू यादव रांची आएंगे, ये जेल प्रशासन तय करेगी, कोर्ट तय करेगी। तो इसमें अभी वक्त लगेगा। हालांकि आज देखिए के कर्मचारियों में और लालू परिवार में कुछ खबरी है, अभी अभी थोड़ी देर पहले लालू यादव की जो पत्नी है राबड़ी देवी और बेटी निशा भारती है, ये दोनों एम्स पहुंचे हैं लालू यादव से मिलने के लिए। और जिस समय जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी रांची में, उस समय तेजस्वी यादव, लालू यादव के जो छोटे पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो राज्यपाल के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल थे, लेकिन जैसे ही उनको ये सूचना मिली कि लालू यादव की जमानत हो गई है, तो उन्होंने खुशी जाहिर की है, तेजस्वी और प्रेम प्रताप दोनों ने खुशी जाहिर की है कि देर सदे न्याय मिलता है। जो हमारे दर्शक हैं, जो लालू के समर्थक हैं, वो ये जान गए हैं कि लालू को जमानत मिल गई है आरजेडी सुप्रीम को, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो ये उम्मीद करके रह रहे हैं कि भाई जमानत मिल गई और अब सीधा वो घर राबड़ी आवास पहुंचेंगे, तो इस जो कोर्ट से और कोर्ट से एम्स के बाद घर तक का रास्ता कितने दिनों में तय होगा, कितनी लंबी कानूनी प्रक्रिया भी चलेगी, इसकी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए मंजूर, यही अब ये तय यहाँ पर होगा मेडिकल का और यहाँ पर जेल मैनुअल एक्ट का। अगर मेडिकल, अगर एम्स अगर वहाँ से रिलीज करने की परमिशन दे देती है उनके स्वास्थ्य के मुताबिक, अभी डिपेंड करता है कि उनकी स्वास्थ्य किस हद तक अच्छा है, उसके मुताबिक वो वहाँ एम्स से रिलीव होते हैं या फिर जिस तरह से जेल मैनुअल एक्ट के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है वो दिल्ली जाकर के हो सकता है या फिर लालू यादव को रांची आना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर कम्युनिकेशन बैठाना होगा और इसमें जितना समय लगेगा, क्योंकि सारी जो भी प्रक्रिया है वो डॉक्यूमेंट्री होगी, जमानत हो गई, उसके बाद बेल बॉन्ड यहाँ पर कोर्ट में भराएगा, उसके बाद में जो बेल बॉन्ड है, जमानत है, कोर्ट का आदेश जेल में जाता है, जेल मैनुअल एक्ट के मुताबिक वहाँ पर जो कैदी है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर होते हैं, उनको वहाँ पर वहाँ से रिलीजिंग का जो ऑर्डर होता है उसके साइन किया जाता है। तो ये तमाम यहाँ पर टेक्निकल मुद्दा है, ये जो कोर्ट की जो दुकानों की जो प्रक्रिया है इसमें वक्त लग सकता है और ये डिपेंड करता है कि जेल मैनुअल एक्ट के मुताबिक जेल प्रशासन या तो दिल्ली जाकर के ये डॉक्यूमेंट सबको मेंटेन करे या फिर जो उनका स्वास्थ्य है उनके स्वास्थ्य के मुताबिक दिल्ली से डॉक्टर लोग अगर रिलीज करते हैं तो फिर उनको रांची आना होगा, डॉक्यूमेंट सब मेंटेन करना होगा, उसके बाद ही पटना आवास पर वा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ये डॉक्टर ये तय करेंगे कि ये जाने में समर्थ है या नहीं है या अभी इनको इलाज की जरूरत है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका किडनी कम काम कर रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये यहाँ पर तय डॉक्टर भी करेगा। मंदिर में सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के और आधी सजा काटने के
ग्राउंड पर ही उनको बेल मिला है। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि अगर स्वास्थ्य अगर ज्यादा बिगड़ा हुआ हो और जो सजा है आधी सजा पास कर लिया गया हो, क्योंकि 420 सीआरपीसी में आईपीसी 420 कहता है कि उसमें 7 साल की सजा है, और जो इन पर दुमका कोषागार का जो मामला है उसमें 7 साल का सजा था और पिछले 3.5 साल उन्होंने पार कर लिया है। मंजूर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इन पर देवगढ़ कोषागार, चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार, डोरंडा कोषागार, इस सब में जो लापरवाही हुई है और जो जो भी भ्रष्टाचार इसमें हुई है इसको लेकर के इन पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन दर्ज हुआ था। लेकिन देवघर कोषागार में, चाईबासा कोषागार में पहले ही उनको जमानत जमानत मिल गया था। दुमका कोषागार में अभी हुआ है, लेकिन डोरंडा की सुनवाई अभी ये प्रक्रिया भिन्न है और उसका क्या फ्यूचर होगा ये तो आने वाला समय में ये होगा। लेकिन दुमका कोषागार में जो जमानत इनको मिली है, जाहिर सी बात है कि रिलीविंग कोर्ट से अब हो गई है, देर से होना बाकी है, तो ये कुल मिलाकर के अभी जो टेक्निकल जो यहाँ पर मामला फंस रहा है, कानूनी जो प्रक्रिया गांव के स्वास्थ्य को लेकर के जो गांव से फंसा हुआ है, अब इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट अब ये तय करेगा कि किस तरह से प्रक्रिया को जितना जल्दी निपटाया जा सके, डॉक्यूमेंट सब मेंटेन किया जाए, उसी आधार पर ही इनको रिलीज इनको किया जाएगा। इसमें हो सकता है कि 2 दिन का भी समय लगे, 4 दिन का भी समय लगे, लेकिन 2 से 3 दिन का समय लगना ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन का समय इनको लग सकता है। ये तो रही कानूनी अड़चन की बात मनोज जी, लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार जब वो वापस आएंगे राबड़ी आवास में और बिहार की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होंगे, तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी राजनीति के संदर्भ में अगर देखें तो अभी फिलहाल के संदर्भ में? देखिए, बिहार की राजनीति में 90 के दशक के बाद में लालू की स्थिति बोलनी शुरू हो गई थी। वो मैंने ऐसे ऐसे वो नारे लगातार देते रहे, जातीय गठबंधन है, जो जाति का आंकड़ा है उसके आधार पर वो सत्ता पर काबिज रहे। तो जाहिर की बात है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में लालू की अहम भूमिका मानी जाती है। राजनीतिज्ञ कुशल राजनीतिज्ञ है और ऐसा माना जाता रहा था विधानसभा चुनाव के समय और पार्लियामेंट्री चुनाव के समय कि अगर लालू यादव अगर बाहर होते तो बिहार में खेला ही कुछ और होता। लेकिन जिस तरह से वो कभी झूरा बाल पास करो, कभी माई संतान का नारा देकर के बिहार की सियासत पर वो आसीन रहे, काबिज रहे, और जाहिर सी बात है कि जितने कुशल राजनेता वो है लालू यादव है उतनी कुशलता लेकिन एक सवाल है मनोज जी, एक सवाल है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव लड़ा गया महागठबंधन की ओर से, खासकर आरजेडी की ओर से, इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने खुद अपने दम पर लड़ा है, कहीं भी लालू और राबड़ी का जिक्र नहीं किया और नहीं पोस्टर में भी काफी कम दिखाई दिए हैं, तो क्या लालू यादव की वापसी के बाद क्या उस तरह का माहौल, क्या उस तरह की जो पहले कद्दावर चीजें उनके सामने थी, कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, क्या उस तरह से पाएंगे फिर से? देखिए, लालू यादव को ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव की को बिहार की जनता का नब्ज पता है और कब कौन सी चाल चलनी है, कौन सा सबूखा छोड़ना है, इस मामले में वो पारंगत हैं। जो कहीं ना कहीं कमी तेजस्वी यादव में है, परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, वोट बैंक को कलेक्ट कर लेना, ये लालू यादव में बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन तेजस्वी ये कमी तेजस्वी यादव में है, अगर लालू यादव बाहर अगर रहते बिहार असेंबली चुनाव के समय में तो तेजस्वी यादव को उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती और लालू यादव को अच्छा गाइडलाइन भी मिलता तो खेल भी कुछ और हो जाता। लेकिन जिस तरह से चुनाव में आप देखे बिहार असेंबली चुनाव में सब किसी ने देखा कि कैसा माहौल रहा, क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही थी, किस तरह के आरोप लग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो भी गतिविधियां हो रही थी ऐसा माना जाता रहा है कि लालू में बिहार की राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है इसका आभास लालू यादव को पहले ही हो जाता था, इसीलिए वो हमेशा फ्रंट सुपर चलते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला चाहे चंद्रशेखर के लिए में आप ले लें, जिस समय उनको मुख्यमंत्री का पद मिला था उस समय से ही बिहार में बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा ये पता उनको हो जाता था और यही कारण था कि बिहार की गद्दी पर वो आसीन हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर असेंबली चुनाव के समय में या फिर जो भी चुनाव होता है लालू यादव अगर फ्री है, अगर बाहर में है, तो वैसी स्थिति में
तेजस्वी यादव जितना अपना दम पर जितना भी वोट बैंक कलेक्ट कर सके लेकिन सत्ता से दूर ही रहे, लेकिन अगर लालू यादव अगर रहते तो शायद सत्ता पर तेजस्वी यादव काबिज हो गया। जी, एक सवाल यह भी है कि दबी जब नीतीश मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से दबी जुबान में राजनीतिक गलियारे में यह खबर भी फैलने लगी कि अब जेडीयू और आरजेडी एक बार फिर से सत्ता गठबंधन बनाकर सत्ता में शामिल हो सकती है, हालांकि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो पाया और इन तमाम चीजों पर जो कयास लग रहे थे उसका विराम नीतीश जी ने लगा दिया था, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि जैसे ही लालू बाहर आएंगे और फिर राजनीतिक विचारधारा है वो फिर एक दूसरे में सिमटेगी और फिर से आरजेडी और एक होगी और सत्ता में शामिल होगी, क्या इस तरह के भी कयास की लगने की बात शुरू हो गई है? देखिए मंजूर, हम थोड़ा हम लोग बैक में अगर जाए, बैक टीम में जाए जी, 2015 के पहले आज यदि कि यहाँ पर जमीन खोसी ही जा रही थी जी, आपको याद होगा कि 2015 के पहले आरजेडी मतलब सिर्फ अगर विधानसभा की बात करें तो एनडीए की टूटी जुड़ रही थी, तो एक तरह से कहा जाए कि 15 में इस तरह से गेम खेला जाए आरजेडी ठीक ऐसे शॉर्टपुट पर आए और इसका आभास लालू यादव को हो गया था, तो कहीं 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 ना कहीं ये आरोप भी लग रहा था लालू यादव पर कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटास पैदा करने में लालू यादव की अहम भूमिका थी। वैसी स्थिति में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, जब जेडीयू बीजेपी से अलग हुई, उसके बाद में आरजेडी ये कभी भी कोई नहीं सोच सकता था, खास करके भी जो भी अगर दो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको उनको भी ये असंभित कर दिया था कि आज यदि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ दड़े पैसे मिल गए तो जाहिर सी बात है कि लालू यादव ने अपनी कोई भी जमीन को वापस लाने के लिए गेम खेला और उस गेम पर उस गेम में वो सचेत भी हुए नीतीश के साथ मिलकर के और सबसे यहाँ पर जो उनकी जमीन खो गई थी वो अपनी जमीन को वापस लाए, अपने दोनों बेटा को उन्होंने पेश कर दिया तेजस्वी को भी और तेज प्रताप को भी, और ऐसी स्थिति में उसी का अगर उदाहरण अगर देख लें कि अगर लालू यादव अगर यहाँ पर आते हैं अगर मेन स्ट्रीम में आते हैं तो वैसी स्थिति में फिर कोई ना कोई ऐसा आगे क्या होने वाला है उनको यह इस बात का आभास होगा और वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे ताकि सत्ता पर वो काबिज हो सके। जी मनोज जी, आखिरी सवाल आपसे यह है कि अब लालू यादव के बाहर आने के बाद सामने आने के बाद विरोधी दल यानी कि बीजेपी जेडीयू के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है? देखिए लालू यादव से जब सत्ता जब ली गई एनडीए में जब ली थी उस समय आपको याद होगा कि 2000 के आसपास में साक्षरता अभियान चलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी ने साक्षरता अभियान की शुरुआत की थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी को ये उनके समझ में ये बात आई थी कि बिहार की जनता को अगर लिटरेट कर देंगे, शिक्षित कर देंगे, अगर बिहार की जनता अपना अधिकार समझना शुरू कर देगी तो वैसे ही स्थिति में लालू के काबिज हो जाएंगे बिहार की सत्ता से। उस समय हजारों करोड़ रुपया साक्षरता अभियान के लिए आया, सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया और उसका देश उसका केंद्र सेंट्रलाइजेशन बिहार ही था कि यहाँ पर एम्बिशन था एनडीए के लिए कि बिहार में लालू यादव को काबिज किया जाए। वैसी स्थिति में अभी भी इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, उस समय साक्षरता अभियान संपूर्ण साक्षरता अभियान सफल हुआ था डॉक्यूमेंट में कागज में, लेकिन खबरें ऐसे भी आती थी कि साक्षरता अभियान सफल हो गया लेकिन बहुत सारे ऐसे डीलर के पास में जब डॉक्यूमेंट देखा जाता तो वहां पर अंगूठा छाप लगते थे, बहुत ऐसे बैंक में खातेधारी भी हुआ करते थे जो अंगूठा छाप से काम कराते थे, तो फिर साक्षरता अभियान पर साक्षरता अभियान का कोई असर नहीं रहा। तो एक तरह से कहा जाए तो एनडीए को लालू को यहाँ से बिहार से विकसित करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, बिहार की सत्ता पर काबिज करने के लिए एनडीए को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, तो एक बहुत बड़ी ये चुनौती होगी लालू यादव अगर यहाँ पर आ जाते हैं और जन स्कीम में आ जाते हैं तो वैसी स्थिति में वो कब कौन सा सबूत छोड़ेंगे, किस तरह से गोलबंदी करेंगे और किस तरह से वोट बैंक को अपने अपने झोले में डाल लेंगे, इसका डर यहाँ पर सभी किसी पार्टी के नेताओं को रहता ही रहता है और रहेगा भी। जी मंजूर।
जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज नारायण सिंह। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज जी जानकारी दे रहे थे कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है इसके बाद भी, हालांकि जमानत मिल गई है लेकिन अभी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है क्योंकि तमाम बेल बॉन्ड जो भरने की प्रक्रिया है वो एक लंबी चल सकती है। आपको वही बता दें कि राजनीतिक अगर हम ये देखो पहलुओं से देखें तो इस पर भी काफी खासा असर पड़ने वाला है क्योंकि लालू यादव एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और बिहार की राजनीति की धुरी रहे, केंद्र रहे, ऐसे में विरोधी दल जेडीयू बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है क्योंकि पंचायत चुनाव का बिगुल कभी बज सकता है और अपने कार्यकर्ताओं में एक बिगुल फूकने के लिए, एक खुशी फूकने के लिए एक कह सकते हैं कि कद्दावर नेता होना बहुत जरूरी था और यह कमी लालू यादव पूरी कर सकते हैं।